अचीवर्स एकेडमी में मैं रवि शर्मा आज फिर तुम्हारा स्वागत करता हूं बच्चों। और आज सरदार भगत सिंह जो हमारे देश के महान क्रांतिकारी थे उनकी जयंती है। 27 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर ज़िले के बंगा गांव में सरदार भगत सिंह का जन्म हुआ था और उनके पिता किशन सिंह, सरदार किशन सिंह एक किसान थे। इसके बाद जब और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने जो क्रांति में देश को आज़ाद कराने के लिए जो आंदोलन हुआ था उसमें जो सरदार भगत सिंह ने हिस्सा लिया था, तो बहुत छोटी सी उम्र में, महज 23 वर्ष की उम्र में अंग्रेज़ों ने भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया था। भगत सिंह जब बहुत छोटे थे, कोई 11-12 वर्ष के ही थे वो, तो उस वक्त इनके दो चाचा जो है स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे और करतार सिंह ने एक गदर पार्टी का गठन किया था, उसके वो दोनों सक्रिय सदस्य थे। यानी जो गदर पार्टी थी वो अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन करती थी, तो भगत सिंह के दोनों चाचा उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। तो ये चीज़ें भगत सिंह बचपन से देखते थे तो उनके मन पर इस बात का काफ़ी प्रभाव पड़ा और अंग्रेज़ों के प्रति उनके दिल में काफ़ी गुबार पैदा हुआ और काफ़ी आक्रोश पैदा हुआ। उस वक्त लाला लाजपत राय भी काफ़ी सक्रिय थे स्वतंत्रता आंदोलन में, तो लाला लाजपत राय से और गदर पार्टी के करतार सिंह से भी वो काफ़ी प्रभावित हुए भगत सिंह। और बाद में चूंकि ये गदर पार्टी काफ़ी आंदोलन में सक्रिय रहती थी तो इसको अंग्रेज़ों ने प्रतिबंधित भी कर दिया था। इसके बाद 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला कांड हुआ उसने तो भगत सिंह के मन मस्तिष्क को हिलाकर रख दिया। उन्हें लगा कि अंग्रेज़ कितने बर्बर हैं, कितने बड़े अत्याचारी हैं कि उन्होंने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाकर सैकड़ों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। और उसी वक्त भगत सिंह ने तय किया कि अब तो अंग्रेज़ों को अपने देश से भगाकर ही रहेंगे। और उसी दौरान महात्मा गांधी का अहिंसक आंदोलन भी चल रहा था और महात्मा गांधी ने विदेशी सामान के बहिष्कार का आह्वान कर रखा था, तो भगत सिंह उसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे और महज 14 साल की उम्र में उन्होंने सरकारी स्कूलों की किताबें और विदेशी वस्त्रों को जलाकर अपना आक्रोश प्रदर्शित किया, जिसके बाद वो पुलिस की नज़र में आ गए। इसी दौरान चंद्रशेखर आज़ाद ने भी अपना एक क्रांतिकारियों का दल गठित कर रखा था, उसका नाम भी उन्होंने गदर दल ही रखा था और उसमें तमाम जितने भी सहयोगी उसमें जुड़े हुए थे वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन करते थे या किसी भी प्रकार की गतिविधियाँ करते थे। तो भगत सिंह भी उसी के साथ जुड़ गए, गदर पार्टी, गदर दल के साथ। और इसके बाद आपस में विमर्श हुआ सभी में कि आखिर आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए धन की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या किया जाए। तो ये तय हुआ कि जो शाहजहांपुर से सरकारी खजाना लेकर ट्रेन लखनऊ जाती है तो उसको लूट लिया जाए और इसके लिए तय की गई तिथि 9 अगस्त 1925। इसके बाद जब वो ट्रेन शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए चली तो काकोरी एक छोटी सा स्टेशन है, छोटी सी जगह, वहाँ गाड़ी को रोक कर इन लोगों ने उसको लूट लिया। तुमने इस घटना को काकोरी कांड के रूप में पढ़ा भी होगा, जानते भी होगे इसके बारे में। और इस घटना के बाद तो पुलिस भगत सिंह के पीछे बहुत बुरी तरह से पड़ गई। इस घटना के बाद जब पुलिस भगत सिंह के पीछे पड़ गई तो वो राम प्रसाद बिस्मिल के साथ लाहौर आ गए। और भगत सिंह इसके पहले लाहौर में ही पढ़ाई भी करते थे, 13 साल की उम्र में वो लाहौर के कॉलेज में पढ़ाई करते थे, जो कि आंदोलन में सक्रिय रहने के बाद वो छोड़ चुके थे। लाहौर जब वो पहुँचे तो वहाँ पर इनके मामा रहते थे और मामा ने इनको सलाह दी कि तुम जो है दूध का कारोबार करो। लेकिन इनका मन कहाँ उसमें लगने वाला था, बल्कि वो तो ये भी चाहते थे इनके मामा कि इनका विवाह हो जाए, तो लड़की वालों को लेकर भी एक दिन इनके घर आ गए थे, लेकिन इन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया विवाह के लिए, क्योंकि ये आंदोलन में सक्रिय थे, उम्र भी बहुत कम थी इनकी उस वक्त।
और भगत सिंह के बारे में एक रोचक तथ्य भी है कि उन्हें फिल्में देखना बहुत पसंद था और फिल्मों के साथ साथ उन्हें रसगुल्ला खाना, रसगुल्ले, गुलाब जामुन भी बहुत अच्छे लगते थे। तो उन्हें जब भी मौका लगता था भगत सिंह को, तो वो यशपाल और राजगुरु के साथ फिल्में देखने चले जाते थे। और उन्हें मज़े की बात, चार्ली चैपलिन की फिल्में बहुत पसंद आती थी और चंद्रशेखर आज़ाद इस बात के बहुत विरोधी थे। उन्हें लगता था कि इस तरह की फिल्में उनमें देखने में इनका ध्यान नहीं बटना चाहिए, क्रांतिकारियों का। इसके बाद 17 दिसंबर 1928 को राजगुरु के साथ भगत सिंह ने लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स को मारा था और उसकी, सॉन्डर्स की हत्या के बाद पुलिस बहुत भयंकर तरीके से इनके पीछे पड़ गई इनको पकड़ने के लिए, लेकिन तब भी वो इनको पकड़ नहीं पाई। इसके बाद 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ इन्होंने दिल्ली स्थित सेंट्रल असेंबली में एक धमाका किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ पर्चे फेंके। इनका उद्देश्य वहाँ पर किसी की हत्या करना, किसी को मारना नहीं था, केवल अंग्रेज़ों के कान खोलने थे, अंग्रेज़ों को जगाना था कि अंग्रेज़ों अब तुम्हें भारत छोड़ना होगा। और इसके बाद भी ये वहाँ से भागे नहीं और इन्होंने सहज गिरफ्तारी दे दी, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान 2 साल तक इनको जेल में रखा गया, इन पर मुकदमा चलता रहा और इनके खिलाफ चूँकि अंग्रेज़ों के विरुद्ध तमाम केसेस थे, लेकिन ये फिर भी जेल में रहते हुए भी वहाँ से तमाम ऐसे लेख लिखा करते थे जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ हुआ करते थे और वो कुछ अखबारों में छपा भी करते थे। और इन सब चीज़ों के होते हुए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। तो बच्चों, तुम्हें ये भगत सिंह की प्रेरक कहानी, उनकी क्रांति की कहानी अच्छी लगी होगी और इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।